17 सितंबर को पोलिस एक्शन हुआ और पोलिस एक्शन जब हुआ, पोलिस एक्शन में तबाही और बर्बादी, लूटम लाट, औरतों की अस्मत रेजी, बौलियां भर गई थी औरतों की लाशों से, तो पंडित नेहरू वजीर आजम थे, उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंडित सुंदर लाल की एक कमेटी को भिजाया कि हैदराबाद जाओ और जाकर मालूम करो कि क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं। तो पंडित सुंदर लाल के साथ काजी अब्दुल गफ्फार भी थे, वो हैदराबाद को आए। कब आए हैदराबाद को? हैदराबाद को आए 29 नवंबर 1948 को। 21 दिसंबर तक हैदराबाद की रियासत में रहे। 16 जिलों में से 9 जिलों में भी उन्हें दौरा किया। 60 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर गए, 21 शहर में गए, 23 गांव में गए और रिपोर्ट बनाकर पंडित सुंदरलाल ने लिख कर दिया नेहरू को, मरकजी हुकूमत को, कि हैदराबाद में 40,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। 40,000, 40,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। हम यही बोलते हैं कि आप उस रिपोर्ट को बताओ, मान लो उसको। ये मेरी रिपोर्ट नहीं थी, ये निजाम की भी रिपोर्ट नहीं थी, ये तो नेहरू ने पंडित सुंदरलाल को भिजाया था और उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि बौलियां भर गई थी। एक बौली से तो बच्चे, जब लाशें निकाली गई तो बुरखे में एक औरत है और उसके सीने से लगा हुआ उसके बेटे की लाश भी निकली। ये तारीख है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप मानो पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को, मैंने पढ़ा पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को, नेहरू मेमोरियल में दिल्ली में आज भी चले जाओ, रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। बताओ भाजपा वालों, क्या तुम मानोगे इस रिपोर्ट को? ये रिपोर्ट है जैसे उस वक्त हैदराबाद में ये तमाम मुखालिफिन बोलिए नहीं नहीं ये रिपोर्ट गलत है। हैदराबाद में कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता था क्योंकि मिलिट्री थी। कैसे अंदर आ गए पंडित सुंदरलाल? उनको स्पेशल परमिशन मिला, मिलिट्री के जनरल जैन चौधरी थे, चौधरी साहब थे, उन्होंने उनके साथ दौरा किया। वो रिपोर्ट है आज भी, मगर तुम नौजवान पढ़ते नहीं हो। जब से ये सेल फोन आया, लाइब्रेरियां और किताबें वीरान पड़ चुकी हैं। तुमको सिर्फ सेल फोन पे टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से मोहब्बत है नौजवानों, तुमको तारीख पढ़ने से मोहब्बत नहीं है। तारीख पढ़ो नौजवानों, मुस्तकबिल तुम्हारा रहने वाला है। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी गई।